लॉकडाउन के बाद भी नशीले पदार्थों का कारोबार बंद होने का नाम नहीं ले रहा। छत्तीसगढ़ में लाखों का नशीला पदार्थ ट्रक में भरकर ले जाया जा रहा था, जिसको पुलिस ने जब्त कर लिया। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के बाद से नशीले पदार्थों की बिक्री में पूर्णतः रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद लोग इसकी बिक्री के लिए अलग अलग प्रकार से प्रयास कर रहे थे। इसी बीच केशकाल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर किराने का सामान ले जा रहे ट्रक को रोका और उसमें से 16 कार्टून गुड़ाखू और 10 कार्टून आशिकी जर्दा गुटखा जब्त किया गया। इन नशीले सामानों की कीमत लाखों में आकी गई है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में सिगरेट को दोगुने दाम तथा गुटखा और गुड़ाखू को 4 से 5 गुना मूल्य पर बेचा जा रहा है। मामला यह है कि इससे पहले भी शासन और प्रशासन को कई बार सूचना मिल रही थी कि केशकाल क्षेत्र में गुड़ाखू तंबाकू और गुटखा जैसे पदार्थ बेचे जा रहे हैं। इससे पहले से पुष्टि नहीं हो पाई थी। इसी तारतम्य में एक गाड़ी आज सुबह केशकाल क्षेत्र में पकड़ी गई, जिसमें किराना सामान के साथ साथ गुड़ाखू गुटखा जैसे प्रतिबंधित सामान होने का संभावना था। गाड़ी को थाना क्षेत्र में खड़ा किया गया और उसमें अनलोड करने पे हमको 10 कार्टून गुटखा और 16 कार्टून गुड़ाखू प्राप्त हुआ। लगभग की लागत कितने की होगी और किसकी है? लागत अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कितने मूल्य का सामान है। चालक के द्वारा ये बताया गया है कि यहाँ किराना सामान जो था केशकाल क्षेत्र के 4-5 किराना स्टोर का था। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।